सब्सक्राइब कीजिए बीटेक चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आप पा सकें लेटेस्ट टेक वीडियोस सबसे पहले। हेलो नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है बी टेक पर। मैं हूं बी और आज हम देखने जा रहे हैं लेटेस्ट टेक न्यूज और टेक अपडेट्स के बारे में। सो लेट्स चेक इट आउट। तो सबसे पहली न्यूज़ लॉगिटेक की तरफ से आ रही है। लॉगिटेक ने जो अपने उनके सिक्योरिटी कैमराज होते हैं उसमें गूगल असिस्टेंट की इंटीग्रेशन कर दी गई है। अब इसमें इंटीग्रेशन कैसे वर्क करेगी, तो पहले जैसे कि आप देख सकते हो इस तरह से हमें कैमरा मिलता है। और इंटीग्रेशन की बात रही तो जो भी फुटेज होगी वो सीधा स्ट्रीम होगी हमारे टीवी पे, मींस गूगल के थ्रू हमारे टीवी पे डायरेक्टली जो फुटेज होगी वो स्ट्रीम हो जाएगी। और अगर आपको अपने टीवी पे डालना है तो आपको इस जो ये हमारा लॉगिटेक सर्कल इसका नाम है, इसके अंदर गूगल असिस्टेंट का अकाउंट लिंक करना है। लिंक करने के बाद गूगल होम, एंड्रॉयड, आईफोन, गूगल असिस्टेंट हो जिसके अंदर, या फिर कोई क्रोमकास्ट या टीवी जिसके अंदर क्रोमकास्ट हो उसके अंदर हम वो फुटेज डायरेक्टली देख सकते हैं विदाउट एनी वायर या किसी कनेक्शन के, डायरेक्टली वाईफाई से। तो ये काफ़ी अच्छा है और इससे वायरलेस टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और मेरे अकॉर्डिंग ये सिक्योरिटी कैमराज काफ़ी अच्छे रहेंगे। अगली न्यूज़ की बात आए तो अगली न्यूज़ वन प्लस 5T की आ रही है। जैसे कि आप जानते हो यहाँ पर मैंने कार्ड डाल दिया है वन प्लस 5T की। ये सारी एक्सपेक्टेशन है आने की और ये सब ऐसा ही कुछ आएगा वन प्लस 5T। और काल पाए ने भी एक फ़ोटो आज डाली है टीज़र करके, तो जैसे कि आप देख सकते हो ये फ़ोटो है। और वन प्लस 5T की एक दो फोटोज़ और आई है, जैसे कि आप देख सकते हो फिंगरप्रिंट सेंसर हमें बैक की तरफ मिलेगा और आगे की तरफ 18:9 की फुल इंच की डिस्प्ले मिलेगी। और अगर बात करें कि ये कब लॉन्च होगा, तो अब जो डेट्स आ रही है वो 20 नवंबर के बाद लॉन्च होगा। मीन्स हमारे पास अभी 20 से 25 डेज है वन प्लस 5T को आने के लिए। अगली न्यूज़ की बात करें तो जैसे कि आप जानते हैं ओप्पो R11 का कॉपी काफ़ी एग्जैक्ट वन प्लस 5 था, तो जैसे कि आप जानते हैं वन प्लस 5T आ रहा है, तो जैसा कि वन प्लस 5T आ रहा है वैसा ही ओप्पो R11S आ रहा है। तो R11S भी काफ़ी कुछ वन प्लस 5T जैसे दिखता है और ये दोनों फ़ोन ऑलमोस्ट सेम जैसे ही दिख रहे हैं और इसी तरह से हमें ये फ़ोन मिलेंगे। अगली न्यूज़ की बात करें तो Xiaomi का इवेंट है इंडिया में नवंबर 2 को, और नवंबर 2 को जो फ़ोन लॉन्च होने वाला है उसकी पूरी पूरी एक्सपेक्टेशन या फिर जो लीक्स और रूमर्स निकल के आ रहे हैं वो है हमारे MI Note 3 के। MI Note का कोई भी वर्जन इंडिया में अभी तक नहीं आया था, सिर्फ Redmi Note का था। MI की Note सीरीज़ अभी तक इंडिया में नहीं आई थी, पर MI Note 3 के साथ Note सीरीज़ Xiaomi इंडिया में लाकर काफ़ी अच्छा कर रही है, क्योंकि इंडियन मार्केट Xiaomi के लिए काफ़ी अच्छी मार्केट है। और इसमें अगर Xiaomi अपने फ़ोन्स लाती है तो हो सकता है Xiaomi और बड़ी कंपनी बन जाए मार्केट में और अच्छी मोनोपोली हो जाए Xiaomi की। अगली न्यूज़ की बात करें तो सैमसंग के लिए आ रही है। ओरियो का बेटा प्रोग्राम सैमसंग गैलेक्सी S8 के चालू हो जाएगा नेक्स्ट वीक से, और जैसे ही बेटा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा हमें ओरियो की स्टेबल रोम भी सैमसंग गैलेक्सी S8 के लिए मिल जाएगी। अगली न्यूज़ गूगल पिक्सल की तरफ से आ रही है। तो आज सुबह मॉर्निंग से मींस गूगल पिक्सल 2 की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है, और गूगल पिक्सल 2 का स्टार्टिंग प्राइस 61,000 रुपीज़ है और पिक्सल 2 XL का प्राइस 73,000 रुपीज़ है। इसके साथ हमें फ्लिपकार्ट पर प्री ऑर्डर के कुछ अगर हम प्री ऑर्डर करते हैं इस फ़ोन को तो ऑफर्स मिल रहे हैं, जैसे कि सेनहाइजर के जो हेडसेट है 11,000 वाले वो 1 रुपये में मिल रहे हैं। हमें 8,000 कैशबैक मिल रहा है EMI ट्रांजेक्शन अगर हम करते हैं HDFC बैंक के थ्रू, और 25,000 रुपीज़ तक का एक्सचेंज मिल रहा है अगर हम किसी एक्सचेंज में करते हैं, और एक्सिस बैंक के बस क्रेडिट कार्ड से 5% और ऑफ मिल रहा है। तो ये सारे कुछ हमें मिल रहे हैं प्री ऑर्डर के ऑफ़र्स। ये शायद प्री ऑर्डर के बाद ना मिले, तो जिन जिन को ये ऑफ़र्स चाहिए आप डायरेक्टली मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है वहाँ से अपने लिए पिक्सल 2 XL बाय कर सकते हैं। अगली न्यूज़ एप्पल की तरफ से आ रही है और ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। एप्पल ने इंडिया में इंटरनेशनल वारंटी अलाउ कर दी है, मींस कोई आप बाहर से इंडिया में आईफोन इंपोर्ट करते हो तो उसकी वारंटी इंडिया में होगी। पहले क्या होता था, जो बाहर से इंपोर्टेड आईफोन्स थे उनकी इंडिया में वारंटी नहीं होती थी, पर आज जो है इंडिया ने एप्पल ने इंडिया में अनाउंस कर दिया है और हमें आईफोन के अंदर इंटरनेशनल वारंटी मिलती है। अगली न्यूज़ आ रही है वीवो का X Play 7। जैसे कि आप जानते हैं काफ़ी स्पेकुलेशंस न्यूज़ वगैरह आ रही है इस फ़ोन के बारे में कि इसके अंदर आगे की तरफ पूरी डिस्प्ले होगी और कोई भी बेजल नहीं होगी, और फिंगरप्रिंट सेंसर भी स्क्रीन इम्बेडेड होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो इस तरह से हमें फ़ोन मिलता है। इसके अंदर अगर हम फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर हमें स्नैपड्रैगन 845 की एक्सपेक्टेशन है। 18 के लास्ट में जाके हमें ये फ़ोन कुछ देखने को मिलेगा, और इस तरह से आप डिज़ाइन देख सकते हो इस तरह से हमें ये फ़ोन मिलेगा। अगली न्यूज़ की बात करें तो एंड्रॉयड वर्जन 8.1 ओरियो का डेवलपर प्रीव्यू पिक्सल्स और नेक्सल्स के लिए आउट हो गया है। आप अगर बीटा यूज़र हो और आपके पास पिक्सल या नेक्सस है तो आपको पता लग गया होगा और आप बीटा यूज़र बन सकते हो अगर आपको 8.1 ट्राई करनी है तो।
अगली न्यूज़ की बात करें तो मोटो एक्स फोर जैसे कि आप सभी जानते हैं इंडिया में आने वाला है और इंडियन प्राइसिंग इसकी अभी लीक होकर आई है, वो है 24,000 रुपीज़। इसी प्राइस पे एक्सपेक्टेड है मोटो एक्स फोर आएगा और ये ऑलमोस्ट कन्फर्म प्राइस ही मानो, क्योंकि अभी तक जो लीक्स और रूमर्स आ रहे थे मोटो एक्स फोर के बारे में वो भी सीधे सीधे 24,000 रुपीज़ की तरफ ही इंडिकेट कर रहे थे। अगली न्यूज़ आ रही है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग का S9 जो है उसके अंदर फ्रंट में फिंगरप्रिंट सेंसर होगा और स्क्रीन इमेडेड फिंगरप्रिंट सेंसर होगा, और ये जो पेटेंट में निकल के आया है कि सैमसंग ने S9 के लिए फ्रंट में फिंगरप्रिंट सेंसर जो है पेटेंट करवाया है। तो देखते हैं हमें S9 का क्या नया डिज़ाइन मिलता है, वही एसेट का डिज़ाइन रिनोवेट करके S9 हमें मिलेगा और क्या क्या नए नए फीचर्स मिलते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और लेटेस्ट टेक न्यूज़ और टेक अपडेट्स के बारे में आपको पता लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट और शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहे और देखते रहिए बीटेक। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।